नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों की मांग है कि नीट का एग्जाम दोबारा कराया जाए। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में आज नीट एग्जाम में हुए घोटाले के खिलाफ जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल प्रदर्शन हुआ। इस दौरान आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में हुए घोटाले को छुपाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये देश के बच्चों और देश के भविष्य का सवाल है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस मामले की जांच कराए और जांच की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाए। वहीं यह भी कहा कि कल आप पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करेंगी। जो लोग मेडिकल की तैयारी कर चुके हैं वे लोग जानते हैं कि प्री मेडिकल टेस्ट एमबीबीएस के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसमें 12वीं के बच्चे हिस्सा लेते हैं। करीब आप समझ सकते हैं 16 साल 17 साल 18 साल की उम्र के लड़के लड़कियां इस एग्ज़ाम को देते हैं और 16-16 घंटे 18-18 घंटे की तैयारी दिन की करते हैं। एक ही सपना होता है कि किसी तरीके से एमबीबीएस के अंदर एडमिशन हो, डेंटल कॉलेज में एडमिशन हो, आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन हो और वे लोग डॉक्टर बन सकें, समाज की सेवा कर सकें। और इस तरीके के एग्ज़ाम बहुत प्रतिष्ठित एग्ज़ाम रहे, बहुत विश्वसनीयता रही और हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली, यहाँ की एमबीबीएस, यहाँ की सुपर स्पेशलिटीज, यहाँ की पोस्ट ग्रेजुएशन, सब चीज़ों की इतनी प्रतिष्ठा है कि पूरे दुनिया में, मगर पिछले कुछ दिनों से जो सिलसिलेवार अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं, गुजरात में गोधरा से खबर आई, उत्तर प्रदेश से खबर आई, बिहार में पटना से खबर आई कि 5 मई को जो नीट का एग्जाम था उससे एक दिन पहले अलग अलग राज्यों के बच्चों का जिनका सेंटर पटना के पास था उस सेंटर के अंदर नीट एग्जाम से एक दिन पहले बच्चों को सेफ हाउस में लाया गया, यानी कि एक ऐसी जगह उन बच्चों को इकट्ठा किया गया जहां पे उनका किसी और से कोई कम्युनिकेशन ना हो, उनसे फोन ले लिए गए, एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर देके उनकी तैयारी कराई गई, उनको अपनी गाड़ियों में बिठा के एग्जाम सेंटर तक ले जाया गया, उनको एग्जाम दिलाया गया और उसमें से बहुत सारे बच्चे नीट क्वालिफाई कर गए, नीट का एग्जाम पास कर गए। ये बात बिहार पुलिस ने कही है। गुजरात के गोधरा में जो हुआ वो उससे भी आगे निकल गया, जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर था उस एग्जामिनेशन सेंटर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। उन्होंने बच्चों को कहा कि अगर आपको कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसको खाली छोड़ देना, ताकि बाद में टीचर वहां पे उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आंसर शीट को भर के दे दे। ये मामला भी गुजरात से सामने आया। और मेरा मानना है कि केंद्र सरकार सब कुछ जानती है और इतने बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने की दिन रात कोशिश कर रही है। और हमारी यहां पे मांग है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट पे ना डाले। जो काम सरकार को करना है वो सुप्रीम कोर्ट को क्यों करना पड़ रहा है? ये क्यों बार बार कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट करेगा? जांच कराना तो सरकार का काम है। जब केंद्र सरकार ने नहीं किया तो छात्रों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। तो हमारा ये मानना है कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराए, स्वायत्त जांच कराए और इस जांच की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाए, ताकि इसके अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो। और ये मामला सिर्फ 24 लाख बच्चों का नहीं है,
ये 24 लाख बच्चे तो वो है जिन्होंने इस बार एग्जाम दिया है, 24 लाख बच्चे वो भी हैं जो इस वक्त 12वीं में हैं, जिनको कुछ महीने बाद ये एग्जाम देना है, उनके मां बाप परेशान हैं। 11वीं के बच्चे जो डेढ़ साल बाद इस एग्जाम को देंगे उनके मां बाप परेशान हैं, 10वीं के बच्चे परेशान हैं, मां बाप परेशान हैं, 2 साल बाद उनके बच्चे जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का भरोसा नहीं है कि वो पढ़ाई करने पे उसमें नंबर आएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। वो बच्चे अब क्या सोच के तैयारी करें, 18-18 घंटे तैयारी करने वाला बच्चा आज एडमिशन नहीं ले पा रहा, ये देश के भविष्य का सवाल है और ये बहुत बड़ा मामला है। जिस तरीके से 24 लाख बच्चों को धोखा दिया गया है, ये एक बड़ा षड्यंत्र है देश के भविष्य के साथ। और इसीलिए आम आदमी पार्टी कल देश के अलग अलग राज्यों में इसको लेकर धरना प्रदर्शन करेगी, तो जनता तक आम आदमी पार्टी ये बात पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।